हेलो फ्रेंड्स, जय श्री शंभू। तो सबसे पहले मेरे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं उनको सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वैसे तो अमावस्या महीने में पड़ता है, लेकिन सोमवती अमावस्या जब भी सोमवार के दिन अमावस्या पड़ता है तभी सोमवती अमावस्या होता है। आपको हम बताने वाले हैं कि इस बार सोमवती अमावस्या कब होगा। तो जी हाँ, 17 जुलाई दिन सोमवार को इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको पूजा सामग्री बताने वाले हैं और आप पूजा कितने सरल तरीके से आप कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो सबसे पहले माता रानी से आपके परिवार के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना करते हुए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें सास बहू दुनियादारी के साथ। तो पूजा सामग्री है पुष्पमाला, अच्छत, रोली, कलश, मिठाई, इसमें सफ़ेद ही चढ़ती है तो आप सफ़ेद मिठाई ही रखिए, घी, धूप, धागा, सिंदूर, जितने भी श्रृंगार के सामान हैं आप वो श्रृंगार के सामान इसमें रखेंगे। और वैसे कॉमन जो होते हैं सिंदूर, बिंदी, रंग, कंघी, शीशा, आप इन सब चीज़ों को पूजा में रखें। पान के पत्ते 108 फेरी के लिए, मतलब फेरी 108 के ही होते हैं, तो इसलिए आप फेरी में इन सब चीज़ों को जोड़ सकते हैं। अगर आप सोमवती अमावस्या पहली बार उठा रहे हैं तो पहली बार धान और पान से उठाते हैं, 108 धान हो या तो पान हो। और फिर उसके बाद आप कुछ भी मूँगफली, मखाना, मतलब 108 गिनती में हो, बिंदी हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। और चूड़ी, इस दिन खीर पूड़ी भी बनाई जाती है, तो आप अपने टाइम पर अगर रखना चाहते हैं, बना सकते हैं तो आप खीर पूड़ी भी रखें। आसान विधि, पूजा की आसान विधि हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप आसान तरीके से अपने पूजा को कार्य को कर सकते हैं। जहाँ पूजा करनी हो वहाँ आपको जल से स्वच्छ करके, यानी कि छिड़काव करके, अगर आपका गाय का गोबर हो तो आप उसे अच्छे से लीप लें, यानी कि वहाँ पे हमें चौकी बना के तैयार करना है, आप उससे भी लीप सकते हैं। उसके चौक बनाए, चौक बनाने के बाद तुलसी जी का गमला, वैसे तो इसमें सोमवती अमावस्या में पीपल के पेड़ का फेरी लगता है, लेकिन अगर आप बाहर किसी भी कारणवश नहीं जा सकते हैं तो आप घर में तुलसी जी के गमले को रख के आप पूजन अपने पूजा को कर सकते हैं। तो तुलसी जी को चौक के पास रखना है। और पूजा जब भी स्टार्ट करते हैं गौरी गणेश से ही करते हैं, तो गौरी गणेश की पूजा सर्वप्रथम होती है, तो गौरी गणेश रखें, कलश की स्थापना करें, नारियल अवश्य चढ़ाना क्योंकि माता लक्ष्मी को नारियल अति प्रिय होता है, तो पूजा की सारी सामग्री के साथ रखें ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। सर्वप्रथम गौरी जी की पूजा करें और दीपक जलाएं, फिर तुलसी को चुनरी चढ़ाएं, आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, अगर साड़ी नहीं है तो तुलसी जी को लाल कलर की चुनरी चढ़ाएं। और आप इस व्रत में ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार का दान दें, श्रृंगार माता रानी को चढ़ाएं। तुलसी जी की 108 बिंदियाँ लगाते हैं, तो कई बार लोग हल्दी का ऐपन तैयार करके आप पानी उसमें घोल लीजिए, इस तरीके से उसकी बिंदियाँ लगाते हैं। महावर हो तो आप ये काम महावर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो पहले यूज़ किया यानी कि इस्तेमाल किया गया ना हो। आप दोनों हाथों के पाँचों उंगलियों, यानी कि पाँच उंगली मिला के 10 होगा, और 10 उंगली को 10 बार करके आप बिंदी लगाएं, और 2 बार, 4 बार, इस तरह से आपका 108 बिंदियाँ हो जाएंगी। और फिर सभी फल और मिठाई को भगवान सोमवती माता को समर्पित कर दें। अगर आपने पूड़ी या खीर बनाई है तो आप उनका भी भोग लगाएं, सफ़ेद मिठाई तुलसी जी को ज़रूर चढ़ाएं। और फिर जो आप पीपल के पेड़ का फेरी लगाते हैं, आप वही चीज़ घर में तुलसी जी का 108 फेरी लगाकर, जो भी चीज़ आपने मन से रखा है वो फेरी लगाते हुए आप उनका ज़रूर से ज़रूर दान दें, क्योंकि इस व्रत में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस दिन दान दे सकते हैं आप उनका दान अवश्य करें। हवन करें और कथा सुनें, और फिर उसके बाद आरती करके तुलसी माता को सोमवती माता का नाम स्मरण करके आप अपनी मनोकामना को, और फिर अपने दोनों हाथ को जोड़ के सोमवती माता के सामने कहें, हे सोमवती माता, मैंने आपकी कथा और पूजा पाठ बौद्ध विधि और मन से की हो तो आप मेरे पति की लंबी उम्र
और घर में बरकत, सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखें। मैं ऐसे ही आपकी सेवा में आपकी पूजा पाठ करती रहूँगी। तो आप इस तरीके से सोमवती माता से अपने मन की बात को बोल सकते हैं। और फिर पूजा करने के बाद आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको ये हमारी सरल पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहें सास बहू और दुनियादारी के साथ। मैं आपके साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय सोमवती माता, जय शिव शंभू।